नमस्कार, स्वागत है डीपी के न्यूज में। मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी और आज ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे जिसको हम कहें कि शून्य से लेकर शिखर तक उन्होंने अपना वर्चस्व निभाया है। ऐसे ही शख्सियत स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा अपने साथ है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि शिक्षा के तंत्र को किस प्रकार राजस्थान में मजबूत किया जाए और किस प्रकार मजबूती के साथ राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हो। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न कोरोना काल से लेकर है। कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं निजी स्कूलों को आ रही है, तो इसको लेकर निजी स्कूल संचालकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सुरक्षा बरतें और सुरक्षा बरत के अपने आप को भी बचाएं और समाज के प्रति जो दायित्व वो निभाएं। बेसिकली शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, पर दुर्भाग्य से सरकार शिक्षा से दूर होती जा रही है। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए इस दौरान, उसको कदम उठाने का मतलब है एजुकेशन के लिए जो सिलेबस तय करने का काम है, जैसे CBSE कर रही है वो नहीं कर पा रही है, न टीचर्स के वेतन का कर पा रही है, न RTE को लेके सरकार सजग है। बेसिकली इस वक्त पिछले 6 महीने से जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया। एक ऐसा वक्त था जब स्कूल की फीस आती थी, कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो ना पिछली फीस आ पाई है ना नई फीस आ पा रही है, तो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। हमारे 6 संचालकों ने आत्महत्या कर ली। एक स्कूल संचालक के नाते या संगठन के नाते मैं उनको क्षति तो पूर्ति नहीं कर सकते, पर हमने विचार किया कि हम मीटिंग्स के जरिए, जन सुनवाई के जरिए इनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें और आपस में चर्चा करके मन हल्का करते हैं, जहाँ मदद की जरूरत थी मदद करें। अभिभावकों की ओर से एक संदेश दिया जा रहा है, नो स्कूल नो फीस, तो उसके ऊपर किस प्रकार से निजी स्कूलों को राहत देने के लिए अपना जो सबसे पहले तो अभिभावक ने हमारे परिवार के और ये सच है, इस कोरोना काल में सबकी परेशानी आई है, उनको भी परेशानी आई है, पर जैसे मैं उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हूँ उनको हमारा दर्द भी समझना चाहिए। तो पहले तो मैं इस लाइन के ही खिलाफ हूँ कि नो स्कूल नो फीस। स्कूल क्या होती है? स्कूल एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब फिजिकल आता था बच्चा तो क्लासरूम में बिठा के शिक्षा देते थे, आज बच्चा फिजिकल नहीं आ पा रहा तो उसको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो स्कूल तो है, दिक्कत है नो फीस वो नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? स्कूल में आकर मिलकर, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखिए सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, उसके बावजूद 6 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्राइवेट स्कूल्स को जिन्होंने टीचर्स को टूटे फूटे तंत्र के माध्यम से भी ऑनलाइन एजुकेशन देने का है। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, हम भी आपके परिवार का हिस्सा है, कमती बत्ती जो कुछ आपके पास पैसा है वो देकर हमारे टीचर को इस कोरोना काल में बचाएं, अन्यथा अगर टीचर मर गया स्कूल मर गया तो बता दूं आपको आपका बच्चा भी शिक्षा से कहीं नहीं बच पाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बार बार एक बयान आता है कि निजी स्कूल वाले हैं तो निजी स्कूल वाले फीस लेने के लिए अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, जहां तक शिक्षा मंत्री का व्यक्तिगत रूप से मैं डोटासरा जी को जानता हूं, आदमी ठीक है, पर दुर्भाग्य होता है जब आदमी राजनेता होता है तो दो पक्षों को देखता है, बड़ा पक्ष क्या है जनता। 91 लाख बच्चे पढ़ते तो उनको लगता है कि मैं कोई राहत का रास्ता निकालूं बीच का, वो इस दर्द को भी समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले भी मर जाएंगे, तो उन्होंने ध्यान होते एक बीच की गली निकाली है, फीस माफ नहीं करके डेफर की है, अर्थात फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन उनके अगर स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कई जगह कि जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं वो पेरेंट्स ऑनलाइन का भुगतान करें, ये बात उन्होंने कही है, इसलिए हम उनके बात का स्वागत भी करते हैं। और मैं विशेष रूप से पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो इस दर्द को समझे, जो टूटा फूटा पैसा कमती बत्ती है वो दे, और नहीं दे सके तो आके रिक्वेस्ट करें कि मैं बाद में दे दूंगा ताकि हम शिक्षा को जारी रखें। सरकार से आपकी किसी प्रकार की कोई मांग जैसे निजी स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए? देखिए सरकार से मेरी 2 जायज मांगे, एक तो मेरा RTE का पैसा अटका पड़ा है, प्राथमिक के साथ उस पैसे को जारी करें जो हमारी सेकंड किस्त है, और एक बहुत बड़ी चीज़ है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जिसको SD बोलते हैं हम, वो हमारे संकट का पैसा हमारे संकट में काम नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे खुद मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब से 3 जून को बात हुई है, उन्होंने हाँ की है 3 जुलाई को कि मैं दिला दूंगा, फाइल चली है लेकिन वो अटका रह गया। मैं दोबारा भी कोरोना के मतलब मुख्यमंत्री जी मिलकर मांग करूंगा हमारा RTE का पैसा, अगर मेरी आवाज़ को कोई मंत्री विधायक सुन रहे हैं तो इतना मैं बता दूं आपको, अगर मेरे दुख दर्द में मेरा पैसा काम नहीं आता तो वो सरकार मेरे किस काम की, मेरे पैसे को दिलवाएं ताकि हमारे साथी अपने टीचर्स को भुगतान कर सकें। MLA MP बनाने में निजी स्कूल के संचालकों का भी विशेष योगदान है, लेकिन वर्तमान में कई विधायक ऐसे हैं जो वर्तमान में चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो BJP को, वो भी निजी स्कूलों के खिलाफ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना आपको कि राजनेता भीड़ को देखता है, इस वक्त उसके कोई भी स्टेटमेंट से 4 आदमियों को फायदा हो रहा है 100 को, हम 4 हैं पेरेंट्स 100 हैं, तो वो मीठा बोलने के लिए वही स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लास्ट ईयर हमने कांग्रेस BJP में कांग्रेस को चुना था, सहयोग दिया था, और उसके कुछ विधायकों ने बाकायदा हमको लिख कर दिया है
कि संकट काल में इनका वेतन दिया जाए, तो मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, पर उनको ये जरूर कहना चाहूँगा विधायकों को भी कि अगर आपको इतना ही दर्द है इस जनता का, तो 3 दिन काम करके 13 दिन का पैसा कैसे लिया आपने विधानसभा में? शर्म नहीं आई आपको तब, जब 3 दिन काम करके 13 दिन का पैसा लेते हो? 300 कूपन लेकर आप विदेश यात्रा करने जाओगे, शर्म नहीं आती तब आपको? आप मंत्रियों को नई गाड़ी दे रहे हो तब शर्म नहीं आती होगी? आप 64 दिन तक मुख्यमंत्री के साथ डांस करते रहे, महलों में गाने बजाने सुनते रहे, खाना खाते रहे, तब शर्म नहीं आई होगी? पर चूंकि हम गरीब हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारा पैसा काट लो। लेकिन ये ध्यान रखो, जब गरीब की हाल लगती है ना, तो मैं अच्छी तरह, आप मेरे स्वभाव को भी जानते हो, जवाब देना भारी कर दूंगा आपको। विधानसभा कोई ऊंची चीज नहीं, हम विधानसभा में जा सकते हैं और वहां भी गला पकड़ सकते हैं। जब आप वोट लेने आओगे तब याद आपको हमारी आएगी, तब पता चलेगा। अधिकारियों का भी बार बार वक्तव्य रहता है कि अनिल शर्मा तानाशाही रूप से कार्य करते हैं। सर देखिए, दो चीज़ है, ये सच है, उनका कहना सच है, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ और मैं खुश होता हूँ कि मुझे कोई तानाशाह कह रहे हैं। पर उनको ये सब्र आनी चाहिए, मैं किसके साथ तानाशाह हूँ? जब वो चोरी करते हैं, जब आरटी का बाबू बिना रिश्वत लिए पैसा नहीं देता, तब मुझे तानाशाही करनी पड़ती है। जब एक SDM अपने पद से बड़ा होकर, अर्थात तो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है, तब मैं तानाशाही करता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं उनसे, मैं तानाशाह और बड़ा बनूंगा उन लोगों के लिए जो गलत करते हैं, जो सही करते हैं उनको माला पहराऊंगा, स्वागत करूंगा। निजी विद्यालयों में भी कई विद्यालय ऐसे हैं जो बहुत फीस ले रहे हैं, और कई ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय ऐसे हैं जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तक फीस लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। निजी विद्यालयों के जो बड़े विद्यालय हैं, उन बड़े विद्यालयों द्वारा कई प्रकार की फीस का दबाव ऐसे डाला जाता है, तो उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कई बार उनसे बात होते हैं, अगर सही पूछो तो दिल से, ये झगड़ा ही उन चंद लोगों का है। मुश्किल से राजस्थान में 1370 स्कूल ऐसे हैं जो फीस बहुत अच्छी लेते हैं या मनमर्जी करते हैं, मानता हूँ वो क्वालिटी देते हैं, यहाँ तक ठीक है, पर क्योंकि उनके दरवाजे पे पेरेंट्स आता है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको और हम सबको। अगर पेरेंट्स के पास स्कूल जा रहा है तो पेरेंट्स की मनमर्जी चलती है। ये हमारे जो 40-50 हज़ार स्कूल हैं जो गाँव में चलते हैं, बेचारे खुद एडमिशन के लिए आज जोड़ते फिरते हैं, तो यहाँ तो पेरेंट्स दादागिरी करता है, लेकिन उनके यहाँ पेरेंट्स की लाइन लग रही है, वहाँ स्कूल दादागिरी करता है। मैं बड़े स्कूल से कहना चाहूँगा, इसको व्यापार क्यों बनाते हो? और व्यापार करना तो कुछ और कर लो, आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, गलतियां आप करते हो भुगतना हमें पड़ता है। ये जो नो स्कूल नो फीस की बात हो रही है, ये भी उनकी तरफ से। मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, राजस्थान में लगभग 13,000 स्कूलों ने फीस माफ़ी का लेटर निकाल दिया है, क्या हम तो 3 महीने की माफ़ करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बोल रहा। और चंद 13 स्कूल जयपुर के जो रोज़ फीस मांग रहे, उनको लेकर हंगामा मच रहा है। सो मीडिया को, उन सबको ये करना चाहिए, उन स्कूलों को सामने लाके उनको थैंक यू बोलो, और जो गलत कर रहा है उसका बाई नेम छापें, मजा आएगा, अपने आप ही पता चलेगा लोगों को। और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, यार रावत की कचौरी खाते हो तो ठेले का पैसा क्यों देते हो? क्यों खाते हो रावत की कचौरी? किसने कहा आपको? आप जेवर्स में जाओगे तो जेवर्स का पैसा देना पड़ेगा आपको, आप चला के उनके पास जाते हो, जाना बंद करो। अरे हमारे पास आओ, शिक्षा वही देते हम, वही किताब है, वही कॉपी है, वही बोर्ड है, वही सरकार है, वही मान्यता है, पर आपको तो मजा लेना है ना, तो सजा भुगतो यार, हमें क्यों कहते हो? शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है। लगभग लॉकडाउन के पश्चात अनलॉक 4 तक लगभग सभी डिपार्टमेंट, सभी आवागमन के साधन या अन्य प्रकार की कोई चीज़ें हैं वो सब खुल गई, लेकिन अभी तक एजुकेशन सेक्टर बंद पड़ा है। देखिए, इसको लेके एक बड़ा व्यवहारिक है, अब टेक्निकल समझने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब ने बयान दिया, पहले बयान दिया जीवन बहुत ज़रूरी है, फिर 3 महीने में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब लोग भूखे मरने लगे, तो उनका जीवन से ज़्यादा व्यवसाय भी, रोजगार भी जरूरी है, ये जिएंगे तो खाएंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका तत्काल रिजल्ट नहीं आता, दुर्भाग्य से इसका रिजल्ट लंबा आता है, उनको लगता है इसको धीरे से खोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो हुआ एक टेक्निकल पहलू जिसकी वजह से महत्व नहीं देते। दूसरा एक व्यवहारिक पहलू ये भी है कि बच्चे हर घर से निकल कर आता है, बच्चे को समझाए रखना थोड़ा मुश्किल है, निश्चित रूप से बच्चा बच्चा होता है, वो कहीं घुड़े बिने तो ज़्यादा कोरोना नहीं फैल जाए, इस वजह से भी सरकारें डरती है। पर सरकारों को करना क्या चाहिए, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्वीकार करके इसकी पूरी गाइडलाइन जारी करके पेरेंट्स से आह्वान करें कि आप ऑनलाइन से जुड़ो। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा ऑनलाइन का टाइम टेबल बनाया, सिलेबस बनाया, सिलेबस बनाने के लिए और डेट तय किए, और डेट तय करके एग्जाम का पैटर्न भी तय कर दिया कि ऑनलाइन में 70% मार्क्स स्कूल ही देगा, इवन सेकेंडरी बोर्ड और 12th में आल्सो। तो अगर ऐसा राजस्थान में भी शिक्षा मंत्री जी और अधिकारी मिलकर कर दें तो डेफिनेटली लोग ऑनलाइन से भी जुड़ने लगेंगे, कोई रास्ता निकलेगा। बाकी हमने होम स्कूलिंग का रास्ता राजस्थान में, हमारे टीचर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर घर जाएं, बच्चों से बात करें, और कुछ कुछ छोटे छोटे समूह में बैठा कर डिस्टेंस के पालना करते हुए बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनका भी रोजगार चले और बच्चा शिक्षा से जुड़ा रहे। अनिल जी, मेरा अंतिम प्रश्न जी, निजी विद्यालय छात्र छात्राओं के लिए और संचालकों के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मेरा संदेश ये रहेगा, इस कोरोना काल में सबसे पहले रिश्ते खराब नहीं करें,
अगर स्कूल का संचालक है तो अपने स्टाफ के साथ रिश्ते बनाए रखें, पैसा आपके पास नहीं है मत दीजिए, पर प्यार और संबल और सांत्वना जरूर दीजिए। टीचर और फोर्थ क्लास भाई जी, ड्राइवर गार्ड जो भी हो, उनको फ़ोन करके इतना जरूर पूछें कि खाने की कहीं तकलीफ तो नहीं है। उनको खाने की तकलीफ हो तो उसकी व्यवस्था करें। इवन मैं तो कर रहा हूँ, पेरेंट्स से भी बात करते वक्त फीस के बजाय पहली बार ये पूछे कि आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताएं, ताकि अगर परिवार हमारा बना रहा तो आज नहीं तो कल हम फिर बैठेंगे, फिर स्कूल खुलेगी, फिर पैसा आएगा। लेकिन इस कोरोना काल को दुख की तरह लें, अगर आपने रिश्ते खराब कर दिए तो न पहले की तरह स्कूल होगा, न टीचर दिल से आएगा, न पेरेंट्स आएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सुरक्षित रहें, रिश्ते बनाए रखें, ये बुरे दिन न गुजर जाएंगे। ये थे अपने साथ स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, जिसको यूं कहे कि निजी विद्यालयों के लिए फायर ब्रांड का रूप लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए जो तलवार की ढाल है वो ढाल बनकर आए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश चौधरी के साथ ओम प्रकाश चौधरी, DPK न्यूज, जयपुर। राजस्थान